गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस लेक्चर वी विल कवर यूनिट नंबर 4 विच इज बेस्ड ऑन फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो देखो इस यूनिट में भैया क्या हमारा 4 यूनिट जो है इसमें वन शॉट में कंप्लीट हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि जो यूनिट नंबर 4 है और यूनिट नंबर जो 5 है ज़्यादा हैवी टॉपिक नहीं है। आप यूनिट नंबर 1, 2, 3 जो कवर करे वही मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अब जो टॉपिक है ये आपका जनरल टॉपिक है, मतलब कि ये होना चाहिए वाला कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो भैया बिल्कुल एकदम मक्खन है यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4 आप मक्खन करा दो, उसके बाद 5 कराना है और अपने को क्या करना है वाइंडिंग अप करना है किसका, फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप का, खत्म कर देंगे। ठीक है, देखो यूनिट नंबर 4 भैया, यूनिट नंबर 4 बात किस, पहले आप ये बता दो कि हमने कवर क्या किया है। वी हैव ऑलरेडी डन एंटरप्रेन्योरशिप में हमने क्या देखा है, सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप समझ लिए। ठीक है, प्रमोशन देख लिए यूनिट नंबर 2 में। यूनिट नंबर 3 में हमने क्या किया, एनालिसिस करा है पूरा कि एंटरप्रेन्योरशिप है क्या है, कैसे चेक करते हैं, इन्वायरमेंटल एनालिसिस क्या होता है, बिजनेस एनालिसिस क्या होता है। ठीक है भैया, अब क्या है नीड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, जरूरत क्या है हमको सोसाइटी या कंट्री में एंटरप्रेन्योरशिप की, या फिर व्हाट आर द मेथड्स और प्रोग्राम टू डेवलप एंटरप्रेन्योरशिप, क्या मेथड रख सकते हैं हम एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलपमेंट करने के लिए कंट्री में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको क्या करनी है, देखनी पड़ेगी। चलो देखो, बोल रहा है पहले मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप बता दो डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये क्या है, देखो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, आप मेरे को ये समझाना बच्चा पार्टी की एंटरप्रेन्योरशिप की नीड क्या है। भैया इनोवेशन कंट्री में होना कंपलसरी, क्योंकि इन्वायरमेंट है डायनामिक। ठीक है, इनोवेशन से हमारे पास क्या आता है भैया, न्यू टेक्निक्स आती है, न्यू स्किल्स आती है, न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन आता है, न्यू प्रोडक्ट आते हैं हमारे कंट्री में, और प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स हम सीखते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें क्या है एंटरप्रेन्योरशिप होने से क्या होती है, आती है। अब भैया एंटरप्रेन्योरशिप इसलिए हम कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए क्या होता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम को क्या किया जाता है, रन किया जाता है, सो दैट क्या हो कि बंदे में या पर्सन में क्या हो, एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल क्या हो, डेवलप हो। ठीक है, समझना क्या बोल दिया, EDP शॉर्ट फॉर्म है इसका, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम इज डिफाइंड एज एन एक्शन प्लान टू क्रिएट एन एंटरप्रेन्योर विद अचीवमेंट्स मोटिवेशन, वॉट कैन बी डेवलप बिजनेस वी कैन टू द स्ट्रेटेजिक डिसीजन सक्सेसफुली विद इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट एंड कैन बियर रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब भैया क्या बोला, सिर से निकल गया ऊपर, अब समझना देखो, ये बोल रहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो क्या करता है, वो स्किल प्रोवाइड करता है। ठीक है, स्किल प्रोवाइड करता है, छोटे बिजनेसमैन को मोटिवेट करता है सो दैट कि वो अपने बिजनेस को आगे तक ले जा सकें। ठीक है, इन्वायरमेंट इंटरनल और एक्सटर्नल एनालिसिस करना सिखाते हैं हमको, सो दैट हम क्या कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप क्या करें, डाल सके। ठीक है, रिस्क भैया, रिस्क देखो सबसे बड़ी रिस्क क्या है, इन्वेस्टमेंट। आपको मैं बता दूं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर कुछ फंडिंग्स कंपनियां हैं, कुछ पार्टनरशिप्स फंडिंग है, और कुछ सोल प्रोप्राइटरशिप में फंडिंग करता है, वो सब क्या करते हैं, कुछ बैंक्स हैं कुछ, और ठीक है, और कुछ पर्टिकुलर गवर्नमेंट ने क्या किया है, सेट करके रखा है क्या इंस्टीट्यूट को कि वो सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप को इनोवेट्स एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलपमेंट करने में क्या करेंगे, मदद करेंगे, मतलब सो कि वो उसमें हेल्प करेंगी छोटे बिजनेसमैन का कि वो क्या कर सके, एंटरप्रेन्योरशिप को डाल सके। ठीक है भैया, अपने को ये समझ आ गया कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में हमको एंटरप्रेन्योरशिप बताया जाता है कि कैसे होता है, स्किल सिखाया जाता है, मोटिवेशन दिया जा सकता है, उसमें अपने को कैपिटल अवेलेबल भी किया जा सकता है जो फंडिंग कंपनी उसमें काम कर रही है, किसको, छोटे बिजनेसमैन को। ठीक है, हमको पूरी एक्सटर्नल इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनालिसिस करना, मतलब इन शॉर्ट बोला जाए कि पूरा बिजनेस एनालिसिस सिखाया जाएगा अपने को। हाँ भैया, तो अपन ये कह सकते हैं अब कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या करता है, एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने में हमारी कंट्री में मदद करता है। अब एंटरप्रेन्योरशिप करता कौन है, एंटरप्रेन्योर करता है, तो भैया स्वाभाविक सी बात है कि हम जो भी स्किल मोटिवेशन कैपिटल अवेलेबल कराएंगे वो किसको कराएंगे, एंटरप्रेन्योर को, जो हमारे पास क्या है, पर्सन है। ठीक है, जो क्या करेगा एंटरप्रेन्योरशिप को क्या करेगा,
डेवलप करेगा कंट्री में, ठीक है। हाँ भैया, इतना अपने को समझ आया कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम एंटरप्रेन्योरशिप को लाने में हमारे कंट्री में हेल्प करता है, ठीक है। किसके थ्रू करता है? एंटरप्रेन्योर के थ्रू। एंटरप्रेन्योर कौन है? हमारा पर्सन, जिसको अपने को क्या करना है, मोटिवेट करना है, स्किल प्रोवाइड करना है और उसको नॉलेज देना है, क्या एंटरप्रेन्योरशिप का। देखो अब बोल दिए क्या है एंटरप्रेन्योरशिप, ईडीपी क्या है, इट इज एन ट्रेनिंग प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ठीक है। हमको देख, हम ये चीज हम जानते हैं कि कोई भी आप नोटिस करना, चाहे कोई भी सेल्समैन हो गया या कोई भी कंपनी का मैनेजर हो गया, कंपनी के एम्प्लॉयज हो गए, स्टाफ हो गए, सबसे पहले उसको क्या किया जाता है, उसको ट्रेन किया जाता है। पहले से तो आप उसको धंधे में नहीं बैठा दोगे, पहले से तो आप उसको सिस्टम में नहीं बैठा दोगे, पता चल रहा पहले से पता उसको नॉलेज ही नहीं है, बोले पूरा सिस्टम लैग कर दिया उधर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना वहां पर। तो वहां पर अपने को क्या करना पड़ता है, कोई भी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, फर्म है, वो लोग क्या करते, सबसे पहले ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड कराती हैं। और देखो ईडीपी भी क्या है, ईडीपी भी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो प्रोवाइड कराता है एंटरप्रेन्योर को, एंटरप्रेन्योर को, ठीक है, समझे ना इतना बच्चा वाड़ी तुम लोग। हाँ ठीक है भैया, इतना तो समझ गया अपने को, इतना तो मक्खन हो चुका है, आगे बता दो। ऑल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस क्रिएशन, रिस्क टेकिंग, मैनेजमेंट एंड इनिशिएटिव फॉर द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड क्रिएशन ऑफ बिजनेस, वही बात कर दिया, क्या है, क्रिएशन है, रिस्क टेकिंग करता है, मैनेजमेंट करना सिखाता है। मतलब ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये क्या कवर करता है, क्रिएशन बिजनेस का, रिस्क टेकिंग बिजनेस का और मैनेजमेंट बिजनेस का। अब भैया क्या एंटरप्रेन्योरशिप आप बिजनेस ही को, मतलब आप गुड्स ले रहे हो, गुड्स दे रहे हो, वही बस बिजनेस हुआ? नहीं, सर्विस भी इंक्लूड होता है इसमें, सर्विस सेक्टर में भी होता है, ठीक है। तो ऑल एस्पेक्ट जितने भी है ना सब इंक्लूड होते हैं इसमें, ठीक है भैया। तो इतना अपने को समझ आ चुका है भैया, आगे बताओ नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है। दिस प्लान और प्रोग्राम इज फोकस ऑन टू क्रिएट एंटरप्रेन्योर क्वालिटीज, ठीक है। अब देखो भाई, ट्रेनिंग अपने को क्यों देते हैं, हम ट्रेनिंग देते ही हैं क्वालिटीज प्रोवाइड करने के लिए, खत्म, ठीक है भैया। तो इतना हमारा क्या हो गया, ये पूरा ईडीपी क्या होता है ये अपने को समझ आ गया, ठीक है। ईडीपी क्या होता है अपने को समझ आ गया। भैया ये जो सोशियो इकोनॉमिक कुछ बोल रहा है इसको थोड़ा बताओ आप मेरे को, ठीक है। देखो बच्चा पार्टी, सोशियो मतलब क्या, सोशियो मतलब मैं ये कह सकता हूं कि, सोशियो मतलब मैं ये कह सकता हूं कल्चर रिलेटेड, ठीक है, कल्चर रिलेटेड, ठीक है, सोसाइटी, सोसाइटी बोल सकते हैं, ठीक है, सोसाइटी रिलेटेड, या मैं क्या कह सकता हूं, हाँ इन्वायरमेंट डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट डेवलपमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट डेवलपमेंट ये बात करते हैं, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक में क्या बात करता है, देखो इकोनॉमिक में बात करता है मनी, देखो इकोनॉमिक, भाई इकोनॉमिक बोला भैया मतलब मनी, मनी देखो मनी हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, बिजनेस हो गया, ठीक है, इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट तो इसमें है, और इकोनॉमिक में क्या होता है, जो पॉलिसीज हो गए, ये सब इंक्लूड करता है, ये सब इंक्लूड करता है ये सब चीज, ठीक है। तो इन शॉर्ट आप ये कहना चाह रहे हो भैया, अपने को ये समझ आया कि जो हमारा ईडीपी है ये सारी चीजों को क्या करता है, कवर करता है और हमें क्या करता है, सिखाता है, ठीक है। देखो ये देखो, ठीक है, ये हो गया अपने पास सोशियो इकोनॉमिक का मतलब, ठीक है। हाँ भैया आगे देखो क्या, भैया स्ट्रक्चर क्या लिखे हो यहाँ पर बता दो जरा इसको, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में अपन ने कैसे देखा है, समझना आप चीजों को, हमने सबसे पहले देखा बच्चा पार्टी क्या, सबसे पहले हमने क्या किया, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप ये समझा। उसके बाद हम क्या देखे, इसको करता कौन है, इसको करता है एंटरप्रेन्योर, ठीक है, एंटरप्रेन्योर, इसको करता है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन है भैया, वो पर्सन जो एंटरप्रेन्योरशिप को क्या करेगा, डालेगा, ठीक है। अब ये हो गया, उसके बाद भैया इसमें एंटरप्रेन्योर तो होता है, अब इसका प्रोसेस कुछ होता है, उसमें हमने क्या देखा, क्या होता है, प्रमोशन, ठीक है, प्रमोशन, और प्रमोशन करता कौन है, प्रमोटर करता है, ठीक है, प्रमोटर ये करता है। अब ये सब होने के बाद हमने देखा क्या, हमने यहाँ यूनिट नंबर वन में ही अपने समझा था क्या, एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप में हमने क्या समझा था, इंटरप्राइजेस, वाइट कलर, सॉरी, इसमें क्या देखा था हमने, इंटरप्राइजेस। अब इंटरप्राइजेस क्या होता है भैया, इंटरप्राइजेस अपन सीधा सीधा बोले तो बिजनेस को बोल रहे हैं इंटरप्राइजेस, ठीक है।
एंटरप्राइजेस बिजनेस रिस्क जिसमें इन्वॉल्व हो वो एंटरप्राइजेस हो गया। अब ये सबको सेटअप करता कौन है, ये सबको सेटअप कौन करता है, एंटरप्रेन्योर करता है। ठीक है, हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप को डालने से एंटरप्रेन्योरशिप कैसे करते हैं, ठीक है, बिजनेस सेटअप कैसे करते हैं, भैया सबसे पहले प्रमोशन होगा, प्रमोशन में क्या आइडियाज ऑब्जेक्टिव सेट होंगे सब, ठीक है, लीगल फॉर्मेलिटीज फिलअप होगी, उसको करेगा कौन, प्रमोटर करेगा। अब ये प्रमोटर खुद एंटरप्रेन्योर भी हो सकता है या फिर कोई अदर पर्सन भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें हमने क्या करी थी, समझी थी, ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डन, ओके। ये हो गया भैया क्या स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास। अब देखो भैया ये ट्रेनिंग प्रोग्राम, यहाँ पर अपन ये जो बात किया था ना कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है, ठीक, अब ये ट्रेनिंग प्रोग्राम में देखो कि क्या क्या बातें कुछ कुछ हमको याद रखनी है। देखो, स्किल डेवलपमेंट, नॉलेज, क्वालिटीज, ऑल अबाउट बिजनेस एनालिसिस एंड स्टार्टअप थ्योरी। स्टार्टअप थ्योरी भैया यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 1 हमने थ्योरी क्या करा है, पूरा कंप्लीट करके रखा है। भाई कौन कौन सी थ्योरी है थोड़ा आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना कि भैया हाँ मेरे को भी थोड़ा याद आ जाए, मैं तो भूल चुका हूँ, आप लोग ज्यादा योद्धा हो इसलिए, ठीक है। ट्रेनिंग में हमने क्या देखा, क्या क्या इंक्लूड, मतलब आप मेरे को ये बताना बच्चे पाटी, आपसे क्वेश्चन पूछा व्हाट इज ईडीपी, आप ईडीपी में क्या लिखोगे भाई, क्या होता है, नंबर तभी मिलता है जब वहां पर की पॉइंट मेंशन हो, मतलब आप की पॉइंट से रिलेटेड आप आंसर फ्रेम करो ना, आप कुछ भी आंसर फ्रेम करोगे ईडीपी नहीं देगा, ठीक है, मतलब आपको नंबर नहीं मिलेगा ईडीपी टॉपिक के ऊपर। तो भैया फ्रेम कैसे करना है, देखो सबसे पहले क्या बोल देना, ईडीपी क्या है भैया, एक प्रोग्राम है, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ठीक है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये डाल देना, ठीक है, उससे रिलेटेड आप क्या करना, पूरा आप क्या एक पेज लिख सकते हो उसमें आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। भैया ट्रेनिंग इंक्लूड्स क्या करता है, ट्रेनिंग इंक्लूड्स करता है रिस्क टेकिंग, मैनेजमेंट, ये सारी चीजें इंक्लूड्स करता है, उसके बारे में लिख देना, ठीक। ईडीपी में होता क्या है, ईडीपी में बेसिकली एंटरप्रेन्योर जो पर्सन है उसको क्या किया जाता है, स्किल प्रोवाइड किया जाता है, हाँ, ठीक है। अब देखो ट्रेनिंग प्रोग्राम में जैसे कि मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे उसको देख लो, स्किल डेवलपमेंट होता है, नॉलेज दिया जाता है, क्वालिटीज बिल्डअप की जाती है, ठीक, ऑल अबाउट बिजनेस एनालिसिस, बिजनेस थ्योरी के बारे में पूरा चीज बताया जाएगा उसको, और जो सेटअप थ्योरी, भैया बिजनेस को सेटअप करने के लिए कुछ एजम्पशन, कुछ प्रिंसिपल अपने को ध्यान में रखना पड़ता है कि क्या हो, कि जब हमारे पास थ्रेट्स या रिस्क आए तब उस चीज को हम क्या करें, नॉर्मली हैंडल कर सकें, ठीक है जी भैया। अब देखो क्या बोल रहा है, फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्लान, ठीक है भैया, फीचर्स क्या है देख लो ईडीपी का, सिंपल सिंपल वही बोल रहे हैं आप, ईडीपी ही बात करेंगे अपन, ठीक है। देखो इसमें ना सिलेक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर, ठीक है भैया, ईडीपी में हम क्या करते हैं, हम ऐसे बंदे या ऐसे पर्सन को पिक करते हैं जो क्या कर सके, हमारी एंटरप्रेन्योरशिप को सेटअप करने के लिए कैपेबल हो। अब भाई सेलेक्शन आप कैसे करोगे, ठीक है, जो सबसे कैपेबल हो, सबसे जिसके पास अच्छी क्वालिटी हो, स्किल्स हो, ठीक है, उसी के ऊपर जिसके पास चाह होगी डेवलप करने की, आप उसी को ना पिक करोगे कि किसी को भी उठा लोगे, नहीं भैया, सेलेक्शन होता है ईडीपी में, ठीक है, देखो वही बोल दिया, पर्सन सेलेक्शन, ठीक है, पहला फीचर क्या है ईडीपी का बोले, सेलेक्शन ऑफ पर्सन। दूसरा फीचर क्या है, कैपेबिलिटीज, भाई देखो ईडीपी क्या करता है, उसकी कैपेबिलिटीज को क्या करता है, चेक करता है, ठीक है, हाँ। मैनेजरल स्किल्स, मैनेजरल स्किल्स में क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क, ठीक है, ह्यूमन स्किल, लीडरशिप है कि नहीं है, भाई बंदा पिक कर रहे हो, लीडरशिप इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि भाई जिस बंदे में ट्रूप्स बोलते हैं ना, भाई आर्मी में क्या होता है, भाई जो सबसे अच्छा लीडर होगा उसको बनाया जाता है कमांडर, ठीक है। अब उसको भाई ट्रूप्स को, अपने ट्रूप्स को कैसे हैंडल करना है, उसको अगर आ गया भाई तो जीत लेगा वॉर, नहीं आया तो भाई हार जाएगा, उसमें कोई शक की बात नहीं है। तो भाई वही बोल रहा है, एक बिजनेस को भी ना स्टार्ट करने के लिए अपने को क्या चाहिए, भाई जो लीडरशिप उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। अब वही नहीं है तो कहां से आप रखोगे, बताओ ना मेरे को भाई, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये तो होना ही चाहिए। रिसोर्स मैनेजमेंट कर लो भैया, रिसोर्स में हम बोलते हैं रॉ मटेरियल का मैनेजमेंट, आप कुछ बता दो इसमें भाई, रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब सिर्फ रॉ मटेरियल का मैनेजमेंट नहीं होता, रिसोर्स इंक्लूड करता है ह्यूमन बीइंग्स, मतलब इन शॉर्ट बोले कि लिविंग थिंग्स प्लस नॉन लिविंग थिंग्स, ये चीज आप बोल रहे हो रिसोर्स। भैया लिविंग थिंग्स में आप ह्यूमन पावर जो होता है, ह्यूमन वर्कफोर्स उसको इंक्लूड कर सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स में आप क्या ले सकते हो, एसेट्स आपके जितने हैं, ठीक है,
आप रिसोर्स क्या है आपके लिए, आप समझो कि आप बिजनेस चला रहे हो, आपके लिए आपके पास रिसोर्स क्या होगा भाई। आपके पास रिसोर्स होगा मशीन होगा आपका रिसोर्स, ठीक है, जो प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है वो होगा आपका रिसोर्स। अब भाई वो तो हो गया नॉन लिविंग थिंग्स, और लिविंग थिंग्स को भी तो भाई चलाने के लिए भी तो एक हमारे पास पर्सन लग रहा है वहां पर, तो लिविंग थिंग्स प्लस नॉन लिविंग थिंग इज इक्वल टू रिसोर्स हो गया। अब इज इक्वल टू रिसोर्स होने के बाद भाई उसको क्या करना, उसको आपको सही तरीके से हैंडल करना। भाई वो हैंडल कैसे होगा, जब उसको प्रॉपर लीडरशिप मिलनी चाहिए, उसको प्रॉपर मोटिवेशन मिलेगा तब होगा वो, ऐसे थोड़ी ना होगा। हाँ भैया एकदम, मतलब इतना समझाओ यहाँ पर, तो ये तो मक्खन है यहाँ पर, पूछ दिए बस फीचर को पेपर में, देखना फिर वहीं पर हम बता देंगे। अब ये सब करना क्यों जरूरी है, विजन, किसका विजन, एंटरप्रेन्योरशिप का विजन, ठीक है, ये देख लो, खत्म बेटे खत्म। इतना में ये आपका क्या हो गया, फीचर ओवर हो गया। हाँ भैया तो देख लो, यूनिट नंबर 4 में हम कर चुके हैं फीचर्स तक, ठीक है, बहुत बेहतरीन से क्लास जाते हुए। अब देखो आगे ऑब्जेक्टिव क्या है ईडीपी का, भैया उद्देश्य क्या है देख लो थोड़ा, ठीक है। हाँ अब देखो, टू डेवलप एंटरप्रेन्योर मोटिवेशन स्ट्रेंथ, ये क्या बोल रहा है भैया, ठीक है, देखो ईडीपी करते क्यों है अपन भाई, एंटरप्रेन्योरशिप है हमारे पास, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप है। अब इसको रन करता है एंटरप्रेन्योर को क्या चाहिए, एंटरप्रेन्योर को चाहिए मोटिवेशन। अब वो मोटिवेशन कैसे मिलेगा भाई, ईडीपी का काम ही क्या है, प्रोग्राम, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका काम ही क्या है कि भाई जो अपन ने फीचर्स में देखा है ना, क्या करे भाई, पर्सन को सेलेक्ट करे, इसको तो मोटिवेट करना जरूरी है, तब तो आपको क्या आएगा, एंटरप्रेन्योरशिप आएगा ना तब तो। हाँ भैया ये हो गया। टू एनालाइज द एनवायरमेंट, ईडीपी करते क्यों है भाई, एनवायरमेंट एनालिसिस के लिए। अब समझना भाई हमने क्या करा, हमने सबसे पहले एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम का मोटिव क्या है, मतलब वही ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, उसमें हम लोग एनवायरमेंट का एनालिसिस करते। अब एनवायरमेंट का एनालिसिस बोले भैया, एनवायरमेंट कवर क्या करता है पहले समझो, एनवायरमेंट कवर ये करता है कि आपके पास सोसाइटी में कितना रिसोर्स है, अब वो रिसोर्स है तो उसको चलाने के लिए कितने पर्सन अवेलेबल है, ठीक है। अब पर्सन अवेलेबल है लेकिन उसमें से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि मोस्ट ऑफ द कैपेबल पर्सन कौन है, जो क्या कर सके, एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप कर सके और उस रिसोर्स का क्या कर सके, प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सके। अब इसीलिए बोल दिया यहाँ पर, पहले अपने को क्या चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, किसको, उस एंटरप्रेन्योर को, कौन, जो पर्सन होगा हमारे पास। उसके बाद अपन ईडीपी में क्या करते हैं भाई, हमने तो एनालिसिस भी किया ना, हाँ भाई एनालिसिस भी, सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट, भाई ये आपका सोसाइटी है, इसमें इतने सारे रिसोर्स हैं, ठीक है, आप कौन से रिसोर्स को अच्छे से यूज करोगे, किसके थ्रू करोगे, इस बंदे के थ्रू करेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले इसको हमने क्या दिया, मोटिवेशन दिया, मोटिवेशन के बाद हमने मोटिवेशन देने से पहले क्या किया, उस सोसाइटी में एनालिसिस किया, किसका, रिसोर्स का, ठीक है। अब सिर्फ रिसोर्स का एनालिसिस बस नहीं होता, इसमें बहुत सारी एनालिसिस आती है, बिजनेस एनालिसिस आती है, एनवायरमेंट, लीगल, पॉलिसी, सब एनालिसिस आता है इसमें। अब उसमें से हमको कौन सा प्रोजेक्ट में हम एंटरप्रेन्योरशिप सेटअप करेंगे, अपने को वो देखना रहता है, ठीक है। फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोजेक्ट, भैया प्रोजेक्ट चलो बना दिए, अब प्रोजेक्ट बनाने के लिए भाई अपने को देखना पड़ेगा रिसोर्स क्या है, एंटरप्रेन्योर कौन रहेगा, ठीक है, और उसको मैनेज कैसे करना है, पॉलिसीज क्या है, ये सारी चीजें जब बच्चा प्रोजेक्ट में क्या होती है सेटअप की, मतलब एक प्रोजेक्ट को पिक करते हैं, तो आप मेरे को बताओ, आप जब स्कूल का प्रोजेक्ट या कॉलेज का प्रोजेक्ट बनाते हो तो उसमें क्या करते हो भैया, हमने सबसे पहले प्रोजेक्ट बनाने सबसे पहले उसका ऑब्जेक्टिव देखे, देन अपने को क्या करे, पहले उसकी पूरी समरी निकाल ली, हाँ ये चीज से हमने अपने को क्या चाहिए, अपने को यहाँ से क्या होगा, रिसोर्स कलेक्ट होगा, नॉलेज कलेक्ट होगा प्रोजेक्ट के, देन आप मेरे को बताओ प्रोजेक्ट को बना, ठीक है, आपने क्या किया, पूरा ड्राफ्ट कर दिया भाई, मटेरियल भी तो लगेगा है, स्केच पेन लगेंगे, कलर्स लगेंगे, पेन्स लगेंगे, पेंसिल्स लगेगा, इरेजर लगेगा, पेजेस लगेंगे, तो ये सब क्या है आपके नॉन लिविंग थिंग रिसोर्स है, और आप जो बना रहे हो वो लिविंग थिंग रिसोर्स है। अब आप क्या बना रहे हो, एक प्रोजेक्ट ही ना बना रहे हो, उस प्रोजेक्ट में क्या बना रहे हो, एक ऑब्जेक्टिव को आप क्या करोगे, डिफाइन करोगे वहां पर, तो यही चीज बोल रहा बच्चा पार्टी, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। अब भैया प्रोजेक्ट से लिंक करें, मतलब ये तो पूरा मक्खन है, ऐसे एग्जांपल दे दिए कि पूरा क्लियर है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। अब देखो सिलेक्शन कर लिए हम प्रोजेक्ट का, फॉर्मुलेशन भी कर लिए भैया, टू एक्वायर द बेसिक मैनेजरियल स्किल, अब भैया ये प्रोजेक्ट को बनाना है, ठीक है,
समझना आपके कॉलेज के प्रोजेक्ट को बनाना है, तो भाई उसमें आपको क्या चाहिए भाई, जिसकी स्किल्स अच्छी होगी उसका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा। भाई मैनेजरियल स्किल, ये क्या बात कर रहा है, ये जो स्किल है ना मैनेज, आप यहाँ देखो मैनेजर स्किल मतलब क्या, मैनेजर के पास प्रॉपर स्किल होनी चाहिए किसकी, मैनेजमेंट की। भाई मैनेजमेंट में हमने क्या पढ़ा है अभी, ठीक है कुछ पास पार्ट्स वीडियो जो डली हुई है उसमें मैनेजमेंट के बारे में डली हुई है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, उसमें आपने देखा होगा कि भाई उसमें हम सीखते क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग, ये सारी चीजें हैं, ठीक है स्टाफिंग हो गया और क्या हो गया डायरेक्टिंग, ये सारी चीजें हैं, कंट्रोलिंग, ये सारी चीजें उस बंदे में प्रॉपर होनी चाहिए। तो ये सारी चीज में क्या करता है ईडीपी, अपने को हेल्प करता है, उद्देश्य ही है ये सब चीज बिल्ड करने का, ऑब्जेक्टिव डेवलप करेगा क्या बिजनेस, ये तो अपने को पता है ईडीपी बनाई बिजनेस को डेवलप करने के लिए। भैया फीचर हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, ईडीपी का इंपॉर्टेंट बताओ आप, ईडीपी जरूरी क्यों है, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। भैया सोसाइटी में क्या हो रहा है, ग्रोथ रेट बहुत तेजी से आया है, ठीक है इंसान रुक नहीं रहा है, और अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए भाई काम चाहिए, जॉब चाहिए। भैया ग्रोथ रेट भाई जॉब 100 है जॉब, और कंट्री में पॉपुलेशन है भाई 1000 का, भाई बाकी के 900 कहाँ जाएंगे है, बाकी के 900 कहाँ जाएंगे। तो भाई ईडीपी इसलिए जरूरी है क्योंकि वो क्या करेगा, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करेगा, अब वहां से क्या होगा जॉब क्रिएशन होगा, जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा, ठीक है भैया। बैलेंस करेगा रीजनल डेवलपमेंट को, कैसे भाई एक बात बताओ, आपके सोसाइटी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होगा वहां से क्या होगा भैया, वहां से जॉब अपॉर्चुनिटी होगा, जॉब अपॉर्चुनिटी होगा तो कंट्री की डेवलपमेंट होगी, उस एरिया की डेवलपमेंट होगी, और अपने को प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स भी पता चलेगा। तो क्या बोलते हैं बैलेंस कर रहा है क्या रीजनल डेवलपमेंट को भाई, उसके साथ साथ और क्या होगा भाई, कुछ एफडी आएंगी, एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, भाई अपने को पता चलेगा कि भाई उस कंट्री में इस रिसोर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन है भाई, तो ये तो कंट्री के लिए अच्छा होगा ना भाई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए हमारे कंट्री में, बाहर की कंट्री अपने को इन्वेस्टमेंट करे हमारे प्रोजेक्ट में, ये तो हम चाहते ही हैं, क्योंकि फॉरेन करेंसी का क्या होगा, इनफ्लो होगा, सही बात है, ठीक है। तो बैलेंस रहेगा भैया, डेवलपमेंट ही नहीं होगा तो अपने को क्या करना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा बाहर कंट्री से सारी चीजें, तो ये रीजनल डेवलपमेंट में बैलेंस करके चलता है, ठीक है। इंप्रूवमेंट इन पर कैपिटा इनकम, भैया पर कैपिटा इनकम एक बंदे की एक दिन की इनकम ऐसा कुछ कह सकते हैं अपन, ठीक है। क्या होगी, बढ़ेगी भाई, जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा तो सब बढ़ेगा ना, क्यों टेंशन ले रहे हो, हाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है, यही चीज बात कह दिया। इंप्रूवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, भाई जब सबको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगा, पैसा हाथ में आया भाई खर्चा भी तो होगा है, पैसा आएगा तो खर्चा भी होगा, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा भाई। कोई बोल रहा है पहले कोई सिर्फ टी शर्ट पहन के घूम रहा था, आज उसको देख लो भाई वो कोट पहन के जा रहा है, है ये भी बात है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होगा ही होगा, इकोनॉमिक मतलब वही क्या हो गया मनी से रिलेटेड, अब मनी बोल रहा, इन्वेस्टमेंट होगा, क्या होगा इन्वेस्टमेंट होगा, सोसाइटी में इनफ्लो ऑफ एफडीआई बढ़ेगी, ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज स्ट्रांग हो जाएगा, अपना करेंसी की वैल्यू स्ट्रांग हो जाएगी, तो ये सब उसमें से बात कर रहा है, ठीक है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, ये समझाने की जरूरत ही नहीं है भैया, ये तो ऊपर आप बता चुके हो, ठीक है। ओवरऑल कंट्री डेवलपमेंट कह सकते हैं इसको, भैया इंपॉर्टेंस भी देख लिए, फीचर्स भी देख लिए, ऑब्जेक्टिव भी देख लिए, ईडीपी होता क्या पूरा समझ लिए, कुछ तो भी और है क्या देखो, हाँ रोल ऑफ ईडीपी, भैया रोल क्या है, सेम चीज है, सेम बात है, इनहेंस करता है क्या क्वालिटीज एंटरप्रेन्योर पर्सन के ऊपर, ठीक है। इनहेंस करेगा सर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोल दो और क्या दिक्कत है, सर्च एंड डेवलपमेंट क्या करता है, न्यू बिजनेस को क्या करता है, सर्च करता है भाई। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब भी क्या है, इनोवेशन, किसमें, कंट्री में। अब ये होता कैसे है भाई, उसके लिए तो सबसे पहले नॉलेज लगेगा, और नॉलेज कौन प्रोवाइड कर रहा है भाई, ईडीपी दे रहा है ना आपको, प्रोग्राम ट्रेनिंग प्रोग्राम दे रहा है ना, तब तो आपका माइंड ओपन होगा तो सब चीजें काम होगी। तो वही चीज क्या करता है, ये क्या करता है, ईडीपी इनहेंस करता है भाई डेवलपमेंट। अब भाई कंट्री में डेवलपमेंट भाई खोजो करो, ये सारी चीजें क्या करता है ईडीपी, मदद करता है, सो दैट अपने को क्या आ सके, बिजनेस आ सके। सेटअप करेगा न्यू एंटरप्राइजेस को, इसमें शक की बात नहीं है, न्यू एंटरप्राइजेस सेटअप करने के लिए ही बना है ईडीपी प्रोग्राम, सही बात है। अब भैया कुछ अचीवमेंट्स है, पास्ट अचीवमेंट्स होगी ईडीपी की, उसको थोड़ा देख लेते हैं। स्पीड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है भैया ईडीपी आने से अपने को क्या मिला है, कुछ बिजनेस सेक्टर्स हैं, स्मॉल बिजनेस है, उसमें क्या हुआ है, मतलब इंडस्ट्रीज में क्या हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है,
डेवलपमेंट हुआ है, मतलब वो थोड़ा तेजी से हुआ, ये कहना चाह रहे ईडीपी आने की वजह से डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन ईडीपी आया तो थोड़ा तेजी से हो रहा है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम थी वो क्या हो गई, शॉर्ट आउट हो गई है, थोड़ी कम हो गई है पर एंटरप्रेन्योर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है, उस पर्सन को क्या हो रहा है, देखो अब क्या है, कई कई नॉर्मल बिजनेस जो रन कर रहा है वो रन करते ही जा रहा है, ठीक है। अब ईडीपी क्या करता है, उसको ट्रेनिंग और मोटिवेशन प्रोग्राम दे देता है ना, तो वो जो बिजनेसमैन है वो थोड़ा और हाई लेवल में जाके सोचने लगता है कि हाँ मैं इस लेवल तक अपने बिजनेस को ले जा सकता हूँ। तो ये जो थिंकिंग एबिलिटी है ना, ये ईडीपी ने क्या करी है, बिल्डअप करी है। रीजनल डेवलपमेंट भैया ऑलरेडी हमने इसमें बात कर चुका है, ठीक है, कुछ स्टेजेस हैं देख लो, जैसे कि ईडीपी कैसे होता है क्या है, तो ये कुछ स्टेजेस को देख लो आप लोग क्या है। देखो इंट्रोडक्टरी सेशन, हाँ ईडीपी क्या है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो इंट्रोडक्टरी सेशंस होते हैं, उसमें क्या होता है, डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे कि भैया मोटिवेशन में होता क्या है, आप मेरे को बताओ। कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या होता है, सबसे पहले उसका हिस्ट्री बताया जाएगा, उसके बारे में बताया जाएगा, ठीक है। तो वही क्या बोला, सबसे पहले डेवलपमेंट, अपने को डेवलपमेंट की नीड क्यों है, ठीक है, ये बताया जाता है, जनरल नॉलेज दिया जाता है, कोई भी अगर जिस बिजनेस की ट्रेनिंग प्रोग्राम रन हो रही है उसकी अपकमिंग प्लान्स एंड प्रोजेक्ट, भैया फ्यूचर में क्या प्रिडिक्शन हो सकता है इस बिजनेस को लेके, दैट्स ऑल, ये सब जो चीजें है ना, ये क्या करती है, इंट्रोडक्टरी सेशन में बताया जाता है, मतलब ईडीपी का एक स्टेज है, इस लाइनअप से अपन स्टार्ट करते हैं ईडीपी, ठीक है। मोटिवेशन ट्रेनिंग, अब हमने क्या किया, सबसे पहले उसको डेवलपमेंट के बारे में बता दिया, नॉलेज दे दिया थोड़ा सा, और कुछ अपन ने बता दिया कि फ्यूचर में क्या हो सकता है उसके। अब जो अपन ने क्या देखा, सिलेक्शन ऑफ पर्सन है ना ईडीपी, ठीक है, जो बंदा सेलेक्ट हो गया उसको क्या देंगे, अपन मोटिवेशन ट्रेनिंग देंगे, हाँ इस बिजनेस ने इसको पिक किया, अब इसको ट्रेन किया जाएगा, ठीक है, ये चीज हो गया। ऑक्यूपेशन स्किल, अब उस जिस बिजनेस को उसने पिक किया उसके रिगार्डिंग उसको मोटिवेट कर दिया, अब उसको बिजनेस को रन करने के लिए कुछ बेसिक स्किल्स होंगी जो उसको आनी चाहिए, उसको प्रोवाइड कराई जाएगी थ्योरी और प्रैक्टिकल, प्रॉपर नॉलेज ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल उसको दिया जाएगा, ठीक है। लेट्स सी मोर, और देखो क्या था, हाँ हाँ ये चीजें देखो, बिजनेस स्किल, मार्केटिंग स्किल, एनालिसिस स्किल, सेटअप स्किल, ये सारी चीजें जो क्या है ऑक्यूपेशन स्किल में बताया जाता है। नॉर्मल बिजनेस एनालिसिस की बात कर रहा है स्किल, हमने बिजनेस एनालिसिस यूनिट नंबर 3 में भाई पूरा कवर किया, एक भी चीज नहीं छूटा उसमें। मार्केटिंग स्किल, भैया मार्केटिंग स्किल सबको नहीं आता है, वो सिखाना पड़ता है, डेवलप्ड होता है, एक्सपीरियंस से आता है वो सारी चीजें। एनालिसिस स्किल, एनालिसिस में तो बहुत सारा एनालिसिस है, इन्वायरमेंट एनालिसिस, ठीक है, इकोनॉमिक एनालिसिस, तो सोसाइटी एनालिसिस, ये सारी चीजें एनालिसिस, ये पढ़ना आना चाहिए, तब क्या करोगे आप उस हिसाब से अपने क्या करोगे बिजनेस को ले जा पाओगे। भाई बिजनेस क्या है, एक डायनेमिक बिजनेस क्या है, बिजनेस एक डायनेमिक नेचर का क्या है, डायनेमिक उस बिजनेस का नेचर क्या है, डायनेमिक क्यों, क्योंकि वो चेंज होता रहता है, ठीक है। अगर आपने इन्वायरमेंट के हिसाब से बिजनेस को चेंज नहीं किया ना, तो आप चले जाओगे क्या, डाउनफॉल में, ये चीज है। अब देखो सेटअप स्किल, भाई सेटअप स्किल ये तो डेवलप करना ही पड़ेगा, तब तो आप एंटरप्रेन्योरशिप को क्या करोगे, डेवलप कर सकोगे, ये चीज बात होगी, ठीक है भैया, बहुत बेहतरीन। तो अपन नॉर्मल अपने देखा क्या, एक पहले क्या होता है, प्री ट्रेनिंग फेस हो रहा था, उसके बाद अपन ने उसको ट्रेनिंग दे दिया, देन पोस्ट ट्रेनिंग फेस में क्या है, उस ट्रेनिंग को चेक किया जाता है कि हाँ अपने सही किया है नहीं किया है, वो सारी चीजें देखी जाती है। तो ये ईडीपी का पूरा चीज था। अब देखो बच्चा बाटी, यहाँ पर आपका ना यूनिट नंबर 4 जो है पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है भैया। यूनिट, अब मैं एक चीज तुमको क्लियर करता हूँ, जो यूनिट नंबर 4 था इसमें ज्यादा कुछ हैवी कॉन्सेप्ट नहीं था, सिर्फ इसमें बात हो रहा था कि ईडीपी है क्या, ठीक है, इंपॉर्टेंट स्टेटस, ये सारी चीजें हमने देखी। अब देखो ये क्या बोल रहा है, व्हाई द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इज स्लो। अब एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्लो क्यों, अब ये सारी चीजें ना मेरे को तुम लोग बताओगे भैया स्लो क्यों है। देखो सबसे पहले तो हम बताएंगे, चलो बताओ, देखो ये एक तो पॉइंट ये हो सकता है कि कैपिटल जो है ना, ये पेन बहुत वो है, दूसरा पेन ले लेते हैं, ठीक है, अपन लेते हैं बैगनी, ठीक है भैया, जो कैपिटल है, ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ, इसको ऐसे कह सकता हूँ, देखो कि लैक ऑफ कैपिटल, ठीक है भैया, कंट्री में क्या है ना, कैपिटल्स नहीं है ज्यादा, कंट्री में कैपिटल्स है बेटा, बंदे के पास कैपिटल्स नहीं है जो एंटरप्रेन्योर डाले, तो ईडीपी क्यों स्लो हो जाता है। कई कई बार क्या होता है, हर बार थोड़ी ना आपको पैसे अवेलेबल हो जाएंगे बाहर से, तो एंटरप्रेन्योरशिप जो डेवलपमेंट है, देखो यहाँ ईडीपी की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर बात कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्यों स्लो है।
भाई लैक ऑफ कैपिटल, और लैक ऑफ कैपिटल की जो प्रॉब्लम है फुलफिल कौन करता है? ईडीपी के जो अंदर फंडिंग्स हैं जो करते हैं वो फुलफिल करेंगे, ये बोल सकते हैं ठीक है भैया। और देखो मैं क्या बोल सकता हूँ, हाँ और क्या है, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं, ठीक है लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है, कई कई एरिया में ना टेक्नोलॉजी की क्या होती है बहुत सारी नीड होती है लेकिन वहां पर होता नहीं है टेक्नोलॉजी, ठीक है। और क्या, लैक ऑफ नॉलेज ही बोल सकता हूँ भैया, कई कई जगह तो अपने पास नॉलेज ही नहीं है कि अपन करें क्या, लैक ऑफ नॉलेज। तो ये सारी कुछ बातें हैं बच्चा पार्टी जो अपन को ईडीपी स्लो कर देती है ना एंटरप्रेन्योरशिप। और हाँ एक चीज और है, ठीक है देखो कैपिटल हो गया, लैक ऑफ नॉलेज हो गया, ठीक है, और मैं बता रहा हूं तुमको रिजिड क्या पॉलिसीज, या जो पॉलिसीज है ना वो बहुत तेज है, ठीक है। तो इसकी वजह से ना इस इन व्हाई द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इज स्लो इन इंडिया, ये सारी चीजें की वजह से एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है स्लो हो जाता है, ठीक है। और कुछ मैं बात कर सकूँ जैसे पॉलिसीज, ठीक है, जैसे पॉलिसीज के अंदर ही ये होता है क्या, टैक्सेशन पॉलिसीज, तो पॉलिसीज के अंदर ही कुछ बातें हो सकती है, देखो टैक्सेशन पॉलिसीज, ये सारी कुछ बातें हैं बच्चा पार्टी जो क्या होता है जो ईडीपी को स्लो कर देती है। ये सारी चीजें सोचनी पड़ती है ना पहले, भाई ड्राफ्टेशन तो करना पड़ेगा अपने को कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप डालने के लिए, तो ये कुछ बातें हैं जो अपने को क्या करना पड़ता है सोचना पड़ता है, तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए ये सब चीजों को। और ये सब चीजों को आंसर आप खुद भी कर सकते हो आई नो, है ना, तो इसमें कोई हैवी रॉकेट साइंस नहीं है कि भैया चीज से चला जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं। तो ये सारी कुछ बातें हैं, ठीक है। वॉट आर द स्टेप्स टू बी टेकन बाई इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने किया क्या, वही नॉर्मल चीज है, क्या किया उसने, हाँ भैया उसने ना सबसे पहले तो हमको क्या अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, नॉर्मल वही ऊपर जो पॉइंट्स थे वही कर सकते हैं, ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल्स कर सकते हैं, ठीक है, ट्रेनिंग सेशंस करवाए इसने, ये बोल सकते हैं ना ट्रेनिंग सेशंस हो गए, ठीक है। और क्या करा है इसने, टैक्स फ्री करा, कुछ टैक्स फ्री करा, ठीक है। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है ना, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है, या फिर इंडस्ट्री जो भी आप कह लो, ठीक है, स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज है उस इंडस्ट्रीज ही बोलो, सॉरी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है, इसमें क्या किया, इनने क्या किया, गवर्नमेंट भैया ने क्या किया, गवर्नमेंट भैया ने इस स्केल को कुछ फ्री कर दिया। जैसे कि अगर बोला कि कुछ एरिया क्या है, कुछ एरिया जो होता है ना सोसाइटी या कंट्री में वो ज्यादा डेवलप नहीं हो सकता, तो इनने बोला कि भैया आप करो यहाँ पर क्या करो, इन्वेस्टमेंट करो या फिर यहाँ पर अपना बिजनेस सेटअप करो और इस एरिया को ग्रो करो। तो भाई ऐसा कोई भी बिजनेस को उठा के नहीं लेंगे, तो यहाँ पर इनने क्या बोला, गवर्नमेंट ने कई कई बार क्या करा, वहां टैक्स फ्री कर दिया, ठीक है, टैक्स फ्री कर दिया आप, या फिर टैक्स कम पे करना पड़ेगा, कुछ सब्सिडीज दे दी उनको, ठीक है। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट ने की है, तो ये नॉर्मल जो पॉइंट है इसको आपको क्या है, यू शुड नो अबाउट दिस ऑल, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए सब चीजें, ठीक है। हाउ दे प्रमोट ईडीपी, भाई ये तो कोई बात ही नहीं है, ईडीपी प्रमोट कैसे करते हैं, देखो समझना ना ये सब चीजें क्या है, ईडीपी ना गवर्नमेंट कैसे प्रमोट करती है देखना, ये जो बात है मैंने बताया था कि कुछ फंडिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, ठीक है, कुछ फंडिंग इंस्टीट्यूट होते हैं उसके थ्रू, या फिर कुछ जो बैंक्स होती है ना, बैंक्स के पास क्या रहता है कुछ तो भी राइट्स होते हैं जो सो दैट क्या कर सके, वो उस बिजनेस में इन्वेस्ट कर सके जहां लगे कि हाँ कि इस सोसाइटी या इस कंट्री में इस एरिया में ये डेवलपमेंट होना चाहिए। और उसके थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है, अगर जैसे कि SBI है, उसके भी कई कुछ ब्रांचेज हो गए जो क्या करते हैं, सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये ऐसे अपन क्या करते हैं, ईडीपी प्रोग्राम जो है, ईडीपी प्रोग्राम के अंदर ये सारी चीजें क्या इन अंडर इंक्लूड है, ठीक है, इसके अंदर ये वर्क करती है। अब वो क्या करते हैं, वो सब ना स्मॉल बिजनेस हो गए, या फिर कोई बिजनेसमैन हो गया या कोई पर्सन हो गया जो एंटरप्रेन्योरशिप डालना चाहता है उसको क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, ठीक है। और इन लोग क्या करते हैं, हमने देखा क्या, इन लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं, इंस्टीट्यूट हो गया, बैंक हो गया, ट्रेनिंग हो गया, ठीक है, मोटिवेशन प्रोग्राम वगैरह सारी चीजें, तो इसमें ज्यादा कुछ तो बात नहीं है, है ना, नॉर्मल है। प्रमोट कैसे करता है भैया, पूछा अपने से, तो वही सब चीजें लिख देना अपने को, ठीक है। हाउ दे प्रमोट ईडीपी, भाई ट्रेनिंग प्रोग्राम दे के एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ठीक है, उसमें क्या होता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम अपन देते हैं, ठीक है, कैपिटल अवेलेबिलिटी होता है, फंडिंग इंस्टीट्यूट होते हैं जो क्या करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है,
अब इससे क्या होगा भैया, इससे ये होगा कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होंगी हमारे कंट्री में और हमारा एंटरप्रेन्योरशिप जो है रन कर देगा। भैया यूनिट नंबर 5 जो है, यूनिट नंबर 5 में आप किस में डील करोगे वो बता दो हमको थोड़ा सा। देखो बच्चा पार्टी, यूनिट नंबर 4 में अपन ने पूरा बात किया है क्या कि ईडीपी होता क्या है, कैसे प्रमोट कर सकते हैं, क्या ये सारी चीजें ईडीपी अपन यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 5 कुछ ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, उसमें से ना एंटरप्रेन्योर के ऊपर बात होगा। एंटरप्रेन्योर कहाँ गया हमारे पास, नहीं है, चलो देखो लिख लेते हैं एंटरप्रेन्योर, ठीक है। इसके ऊपर क्या होगा, पूरा बात होगा कि भैया इसको क्या मोटिवेशन होना चाहिए, ठीक है, क्या इसको स्किल्स देनी चाहिए, तो ये कुछ बातें उसमें है और कुछ फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड है, तो वो सारी चीजें अपन यूनिट नंबर 5 में करेंगे। अब तक के लिए इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद है तो आप प्लीज एक लाइक कर देना और एक सब्सक्राइब कर देना। मेरे को तो पता है भैया आपको वीडियो एकदम झक्कास से पसंद आया होगा, ठीक है। वन शॉट रही है पूरी हमारी यूनिट नंबर 4 की सीरीज, और कुछ ज्यादा टॉपिक्स नहीं थे तो इसलिए अपन की वीडियो ज्यादा लंबी नहीं गई। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय।